साथियों नमस्कार। साथियों आज हम इस हाथ के माध्यम से जानेंगे कि वो कौन से लोग होते हैं जो भी कार्य करते हैं उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है और कौन सी रेखाएं हैं जो कामयाब बनाती हैं। आइए देखते हैं। साथियों सबसे पहले देखा जाएगा हाथ के आकार को। जो इनके हाथ का आकार है वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। आप देखिए वृत्ताकार है और इनके सारे पर्वत भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हाथ का आकार अच्छा है और उभरा हुआ है। इनकी जो हृदय रेखा वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है और लंबी भी है। इसके साथ ही हृदय रेखा पर गौर से देखिए, हृदय रेखा पर एक त्रिभुज सा बनता दिखाई दे रहा है। इस तरह जब यह त्रिभुज बन जाता है तो यह दिखाता है इनके ऊपर दैवी कृपा रहेगी और ये अध्यात्म से पूर्णतया जुड़े रहेंगे, क्योंकि यह जो निशान होता है, जो यह चिन्ह होता है, इसे भगवान शिव का आदि शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही जो इनकी मस्तिष्क रेखा है यह भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। गौर से देखिए तो मंगल पर्वत के काफ़ी करीब आ गए, मंगल पर्वत तक पहुंच गई है और इनकी जीवन रेखा बहुत स्पष्ट है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। यह जीवन रेखा जब स्पष्ट और सुंदर होती है तो यह अच्छे जीवन का संकेत देती है, जीवन लंबा होगा। जो इनकी भाग्य रेखा है वह स्पष्ट दिखाई दे रही है, लंबी और सीधे हृदय रेखा पर मिल गई है। जब भी भाग्य रेखा हृदय रेखा पर मिलती है और यह स्पष्ट दिखाती है, दिल के हृदय अच्छे होंगे। इसके साथ इनके अंदर एक कमी रहेगी, हृदय रेखा या कुछ नुकसान भी कराती हैं। ऐसा दिखाता है कि कई बार ये जल्दबाजी में निर्णय भी ले सकते हैं। अगर ये बिना सोचे समझे निर्णय लेंगे तो इन्हें कई बार पछताना भी पड़ सकता है। इसके साथ इनके में जो इतना सुंदर योग दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, आप ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर त्रिभुज है, जो सीधा यहाँ पर त्रिभुज पूर्ण हो गया है। जब यह त्रिभुज पूर्ण हो जाता है तो यह दिखाता है कि इन्हें जीवन काल में यानी एक से अधिक कार्य से इनको लाभ होगा और यह जीवन में कहीं ना कहीं अचानक से कामयाब होंगे, अचानक से तरक्की मिलेगी, अचानक से धन लाभ भी होंगे और संपत्ति का लाभ भी होगा, क्योंकि ये राहु पर्वत पर पूर्णतया त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो है चंद्र पर्वत है, ये जब उभरा हुआ, गौर से देखिए चंद्र पर्वत काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। जो चंद्र पर्वत मन का प्रतीक माना गया है, इनका मन सुंदर होगा। जिनका मन सुंदर होता है उनकी आत्मा भी सुंदर होती, पवित्र होती है। इसके साथ ही दोस्तों इनका जो शुक्र का क्षेत्र है वह भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। जो है शुक्र पर्वत है सुंदर है। शुक्र पर्वत हमारी कलात्मक शक्ति का प्रतीक माना गया, भौतिक सुखों का प्रतीक माना गया है, प्रतिनिधित्व करता है। पुरुष के हाथ में इसे पत्नी का क्षेत्र, हमारे यौन संबंधों का क्षेत्र माना गया है इसे, जो काफ़ी अच्छे जीवन के बारे में दिखाता है, भौतिक सुख देता है और हमें विलासतापूर्ण जीवन देता है। इसके साथ ही दोस्तों इनके जो अंगूठा दिखाई दे रहा है वो भी सुंदर दिखाई दे रहा है। यह पर्व है वो सुंदर दिखाई दे रहा है। अंगूठे का जो प्रथम पर्व लंबा है और नुकीला है, यह दर्शाता है कि इनकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। अब बात करते हैं इनकी उंगलियों की। इनकी जो शनि की उंगली दिखाई दे रही है, जो यह स्पष्ट है और हल्की सी ये झुक गई है। जब भी शनि की उंगली, यह उंगली जब गुरु की तरफ झुकती है, यानी इस वाली उंगली की तरफ जब भी यह झुकाव करती है, तो दिखाती है इनके अंदर गुरु के गुण अवश्य होंगे, यानी धार्मिक होंगे। और गुरु को धर्म का प्रतीक माना गया है, ज्ञान का प्रतीक माना गया है और यह दूसरों पर दया करने वाले सहृदय भी होंगे। और इनकी सूर्य उंगली भी लंबी दिखाई दे रही है। जो इनकी यह सूर्य की उंगली है वह काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है गुरु की उंगली से। जब भी सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से लंबी हो जाती है तो दर्शाती है कि इनके अंदर सूर्य के गुण, सूर्य हमारे तेज का प्रतीक है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। ऐसे लोगों का मान सम्मान बहुत होता है और इनके अंदर चाहत भी होती है, खूब मान सम्मान और राजसी जीवन जीने की चाहत इनके अंदर होती है। इसके साथ इनकी जो बुध की उंगली है, यह उंगली है इसे बुध की उंगली कहते हैं। यह जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाती है, यह जो प्रथम पर्व होता है यहाँ तक जब टच कर जाती है, यहाँ तक पहुँचती है, तो यह दिखाती है कि ऐसे जातक के अंदर बोलने की शक्ति अच्छी होती है, बोलने की क्षमता होती है और या खुद को समाज के सामने लाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं और इन्हें अपनी पहचान भी अपने दम पर बनाते हैं। जी हाँ मित्रों, इसके साथ इनका जो बुध का पर्वत वो भी सुंदर दिखाई दे रहा है, या बुध का जो पर्वत उभरा हुआ है, जो इन्हें व्यापारिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में व इनको कार्य के क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, निजी व्यवसाय करते हैं, उसमें भी लाभ कराता है। और दूसरा जो यह क्षेत्र है, यह हमारे सूर्य का क्षेत्र माना गया, आत्मा का प्रतीक, पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहाँ पर इनके जो सूर्य के क्षेत्र पर थोड़ी सी दिक्कतें भी नज़र आ रही। सूर्य की जो यह रेखा है, इसके साथ यहाँ पर गौर से देखिए एक जाल सा बनता दिखाई दे रहा है, क्रॉस से बनते दिखाई दे रहे हैं इस क्षेत्र पर। ये क्रॉस अच्छे नहीं माने जाते हैं, इन क्रॉस को अच्छा नहीं माना जाता,
यह पारिवारिक समस्याएं देते हैं, दिक्कतें देते हैं और कलह भी पैदा करते हैं, पिता को कष्ट देते हैं, हमारे मान सम्मान में कहीं ना कहीं बाधा व शत्रु को भी दिखाते हैं। वैसे तो इनके में कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत मानसिक चिंताएं बनी हुई हैं। इस स्थान पर आड़ी रेखाएं छोटी छोटी सी पतली सी दिखाई दे रही हैं, थोड़ी सी मानसिक चिंताएं अवश्य दे रही हैं, लेकिन इनके अंदर जो यह आध्यात्मिक गुण, दूसरों पर दया करने वाला गुण है और ईश्वर की जो कृपा है, ईश्वर के अधीन रहते हैं से जातक जो स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है, इन लोगों को खूब नाम पैसा तरक्की तो मिलती है, इसके साथ अच्छा जीवन मिलता दिखाई दे रहा है और यह यात्राएं करेंगे, एक अपना नया एम्पायर यानी अपना कुछ यानी आय का मजबूत स्रोत स्थापित करेंगे, मान सम्मान स्थापित करेंगे समाज में और यह खूब नाम पैसा कमा कर जाते हैं इस दुनिया से, बहुत अच्छे इंसान भी साबित होते हैं इससे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर और भी इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमें लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।